सिंगल लॉट है वो 3500 स्क्वायर फीट का आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी थिकनेस है 18 mm। जो साइज आप देख सकते हैं वो काफी बड़ा है, 10x6 है, 10x8। ये ब्लैक मार्किनो है जिसको हमने स्पेसिफिकली मोरक्को से इंपोर्ट किया है, तुर्की से इंपोर्ट किया है। इसमें आपको टाइनी आपको गोल्ड का स्ट्राइकिंग कॉर्ड्स देखने को मिलेगा और बेसिकली काफी एक्सोटिक स्टोन्स है तो इसका रेंजेस भी कंपैरेटिवली हाई रहता है। जो करके थोड़ा अपने बेस के साथ ब्राउन मिलेगा, थोड़ा ग्रे स्टोन मिलेगा आपको, व्हाइटिश स्टोन भी मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ राजस्थान के औद्योगिक शहर किशनगढ़ में। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में एक वर्चुअल टूर कराऊंगा टॉप जो इम्पोर्टेड मार्बल की जो फैक्ट्रीज है, ये प्रोड्यूसर हैं किशनगढ़ के, उनमें से एक स्टोन प्लस करके, जैसा कि इनके जो सन है माधव भाई है, उन्होंने मेरे को बताया। दोस्तों, इनकी यहाँ पर कैपेसिटी जो है 5 to 7 lakh स्क्वायर फीट पर मंथ यहाँ इनका प्रोडक्शन होता है इम्पोर्टेड मार्बल का। कई यूरोपियन कंट्रीज से ये लोग इम्पोर्ट करते हैं ब्लॉक्स का, जिसको कि आगे आप देखेंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, मैंने जो किशनगढ़ की मार्बल मंडी है काफ़ी रिसर्च किया दोस्तों, उसमें से मुझे जो बढ़िया इम्पोर्टेड मार्बल की जो फैक्ट्री लगी उसमें से एक ये है दोस्तों, रलावता गाँव में। दोस्तों, ये जो मकराना रोड पर रलावता गांव है किशनगढ़ के पास में, इनकी फैक्ट्री है, इनका ये शानदार शोरूम है, जरूर से विजिट करिएगा। इसमें आपको जो सिंगल लॉट है वो 3500 स्क्वायर फीट का आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी थिकनेस है 18 mm में हमने इसको प्रोसेस किया है। इसमें आपको जो बेस है वो आपको काफ़ी ग्रेइश और ब्लैक स्टोन में दिखेगा और सबसे इसका हाईलाइटर्स फैक्टर्स ये है कि इसको आप हाईलाइटर्स, पाउडर रूम्स, फ्लोरिंग, जो आपके जैम्स हैं वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है पूरा ये लोट, और साइज देखिए पूरा अगर देखा जाए तो इसमें आपको यहाँ पर मेंशन भी किया रहेगा, और ये ऐसे 3500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा यहाँ पर ये पूरा आपका अगर एक ही इसमें प्रोजेक्ट करना हो एक ही इसमें तो आप कर सकते हैं ब्लॉक में लोट में। नेक्स्ट जो हमारा लॉट है वो है इटली का एमेडा ग्रेस। इसमें आपको जो बेस है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई आपको पैटर्न नहीं बनेगा, ये पूरा सिंगुलर रहेगा और ये काफ़ी प्रेफरेंस रहता है क्योंकि कुछ एक जो कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं हमको इंडियन टच में इटालियन चाहिए, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइप का लॉट है जिसमें आपको इंडियन टच में मिल जाएगा इटालियन मार्बल के साथ। काफ़ी बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस सेंसिटिव है और काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा आपके प्रोजेक्ट्स और उसके लिए। इसमें जेब्रा टाइप का वाइट क्रॉसिंग देखने को मिलेगा आपको, जो कि कस्टमर्स का प्रेफरेंस रहता है, जो कि स्टेयरकेस हो सकते हैं आपके, अच्छे पाउडर रूम्स हो सकते हैं, टीवी के पीछे का जो बैकग्राउंड हो सकता है उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। हाइलाइटर्स पर्पज़ के लिए काफ़ी यूज़ होता है ये वाला मेटेरियल, इसको भी हमने 18 mm प्लांट प्रोसेस किया है और रेडी लॉट हमारे पास 15,000 स्क्वायर फीट अभी अवेलेबल है। देखा दोस्तों, आपने अभी तक किसी वीडियो में मोरक्को कंट्री से इंपोर्ट किया हुआ स्टोन नहीं देखा होगा, स्लेब नहीं देखी होगी, ये भाई बता रहा है, वो भी आपको डिटेलिंग के साथ में कि आपको कहाँ वेयर यू हैव टू यूज। थोड़ा सा इंडियन टच प्लस इटालियन का एक अच्छा मिक्सचर है ये वाला लॉट और इसको भी 16 mm में हमने इसको प्रोसेस किया है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है, तो इसकी इसलिए प्रोसेस 16 कर रखी है और इसको पूरा प्लांट प्रोसेस है कम्प्लीटली ऑटो। इधर और दिखाइए, एरे ग्रे, इसको भी हमने तुर्की से इंपोर्ट किया है। इसमें आपको टाइनी आपको गोल्ड्स का स्ट्राइकिंग कॉर्ड्स देखने को मिलेगा जो कि हल्का सा फिल्टर्स है इसके अंदर गोल्ड, ये लाइटिश ग्रे है। लाइटिश ग्रे अभी काफ़ी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, कस्टमर्स की डिमांड रहती है कि सर हमको लाइट ग्रे में मटेरियल दिखाइए कुछ अच्छा, कुछ प्राइस अफोर्डेबल, तो ये वाला रहता है। नेक्स्ट जो हमारा लॉट है वो है अरमानी ब्राउन, जिसको सवाना पर्ल भी कहते हैं। इसमें आपको टाइनी ड्रॉपलेट के साथ एक अच्छा एक बेस पैटर्न देखने को मिलेगा, इसमें कोई बुक मैच नहीं है, ये पूरा सिंगुलर रहेगा लॉट आपके लिए। और आप शानदार स्लैब्स देखते जाइए इम्पोर्टेड मार्बल के। फ्रेंड्स, ये पूरा बिग साइज का एक जंबो लॉट है, 15 mm के अंदर देखो फुल साइज जंबो लॉट है जो कि आपके काफ़ी बड़ा कार्पेट एरिया को कवर कर लेगा और इसमें भी आपको 5 सारे सिंगुलर पैटर्न देखने को मिलेंगे वॉल्स के साथ पैचेस के साथ। कितनी बड़ी स्लेब दिख रही है दोस्तों इम्पोर्टेड मार्बल की और कितना शानदार लग रहा है। चलिए मूविंग ऑन। तो दोस्तों, इस तरह से ये है, अभी ये देखिए कंटिन्यू वीडियो चल रहा है और इसमें स्लेब्स आप देखते जा रहे हैं ये इम्पोर्टेड मार्बल्स के, इतना इनका, और ये तो जस्ट एक ट्रेलर जैसा समझिए दोस्तों। इनके पास ऐसे हज़ारों ब्लॉक्स इनकी फैक्ट्री में, इनकी इन हाउस फैक्ट्री में, इनके प्रोसेस हाउस में रखे हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा लॉट है विकास जी, ये हमने चाइना से इंपोर्ट किया है, इसको चाइना रेड कहते हैं
और बेसिकली काफ़ी एग्जॉटिक स्टोन्स है, तो इसका रेंजेस भी कंपेरेटिवली हाई रहता है, जो कस्टमर्स का प्रेफरेंस रहता है कि डाइनिंग टेबल टॉप्स में हमको चाहिए या कुछ स्पेसिफिकली सिंगल स्लैब्स चाहिए अलग अलग लोकेशन पे जो कि हाइलाइटर्स पर्पसेस के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने रखा है हाइलाइटर्स। इसमें आपको मल्टीपल क्लाउड पैटर्न देखने को मिलेगा और मिक्सचर ऑफ स्टोन्स है इसमें आपके, थोड़ा अपने बेस के साथ ब्राउन मिलेगा, थोड़ा ग्रे स्टोन मिलेगा, आपको व्हाइटिश स्टोन भी मिलेगा, प्लस गोल्डन टेक्सचर के साथ ये लॉट काफ़ी आपको फुलफिल कर देगा हर आपकी कोई भी चीज़ के नीड के लिए। और ये लॉट बेसिकली आपके फर्नीचर या जो भी रिक्वायरमेंट रहता है जिस चीज़ का भी उसके साथ ही कोऑर्डिनेट भी कर जाएगा। और ये सिंगल लॉट मेरे पास 2000 स्क्वायर फीट में अवेलेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज। लॉट का नाम है मेलिसा बेज, जिसको सोफेटा बेज भी बोला जाता है। इसको हमने 16 mm में प्रोसेस किया क्योंकि जनरली जो बेजेस हैं हमारे विकास जी वो इसी में ही प्रोसेस होते हैं स्टोन में। इसमें आपको ये हल्का सा ऑरेंज पैटर्न में देखने को मिलेगा, बेस काफी अच्छा है, पिंकिश स्टोन का एक अच्छा स्टोन है ये, कस्टमर्स के लिए जिनका बजट काफी फ्रेंडली रहता है उनके लिए अच्छा लॉट है। क्या बात है, तो गाइज आप देख रहे हो ना कितना ये जो है यहाँ के जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है यहाँ पर स्टोन का, स्टोन के स्लैब्स हैं, तो ज़रूर से आप आपके जो प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए ऑप्शन हो सकता है इस कंपनी के ये जो स्लैब्स हैं। चलिए जो नेक्स्ट लॉट है हमारा विकास जी वो है ये अगोरा, जिसको कुस्टोनाची बेज भी बोलते हैं। इसको हमने स्पेसिफिकली टर्की से इंपोर्ट किया है। अगोरा आपको इरिस्पेक्टिव आप कभी भी आए हमारे कस्टमर्स आपको अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएगा कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल के लिए। और ये सिंगल लॉट 3500 स्क्वायर फीट का है, इसमें आपको टाइनी पैचेस देखने को मिलेंगे और इसमें आप एक स्पाइडर पैटर्न भी देखने को मिलता है अगोरा में, काफ़ी अच्छा लॉट है। और एक बार अगोरा लगाने के बाद 15 साल कस्टमर्स को देखने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इटालियन मेंबर्स की फैमिली का। मार्बल है दोस्तों, आपको पता ही है ना, ताजमहल जैसी भव्य इमारत आज भी चमचमाती दमदमाती पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो आपका घर क्यों नहीं चमकेगा। तो चलिए दोस्तों मैं और आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ के जो है डायरेक्टर भाई के सहयोग से। नेक्स्ट जो हमारा लॉट है वो है क्रेमा एलिगेंस, इसमें आपको ब्लैकिश लाइंस के साथ ये एक बीच में पैटर्न देखने को मिलेगा और इसमें आपको मल्टीपल आपको बबल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और ये पूरा सिंगुलर लॉट है, बेजिश में काफ़ी लाइटिश सिलेक्शन है जो कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस रही थी, इसको भी हमने 16 mm के प्रोसेस में कर रखा है। फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल सी दिखने वाली स्लेब इम्पोर्टेड मार्बल की, इसका जो नेम है ये है क्वीन बार ग्रे और इसका ओरिजिन टर्की से है। ये एक बड़ी साइज़ की यहाँ स्लेब्स हैं, ये पूरा यहाँ ब्लॉक बड़ा सा ब्लॉक था जिसको यहाँ कटिंग करके इन्होंने ये ओशन ब्लू ग्रे, ये इटली से इंपोर्ट किया हुआ है, एमए डार्क ग्रे बोलते हैं जी। तो इसको बाथरूम में बहुत शानदार इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ के जो सेल्स प्रोफेशनल स्टाफ है वो बता रहे हैं कि वॉशरूम के लिए, आपके वॉशरूम के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो बेहतरीन लुक आता है, शानदार दिखता है। चलिए और कुछ आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें शेड्स इनकी पैटर्न्स दिखाता हूँ मैं। ये ओशन ब्लू ग्रे है, ये इटली से इंपोर्ट किया है, ये अफ्रीका से आया है दोस्तों। और जी एंजेलो वाइट करके है ये इसका, इस शेड का नाम, इस पे जो है इस तरह के मार्बल का नाम। ये ग्रीस से इंपोर्ट किया हुआ है, ग्रीक वाइट, ये ग्रीस कंट्री है दोस्तों, काफ़ी ब्यूटीफुल वहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं आपको पता ही है, तो वहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है इन लोगों ने। चलिए कुछ और यहाँ के जो मैनेजर सर हैं वो हमें बता रहे हैं, वाइट में भी एक वाइट रेंज है, ये भी ये वाला जो है पहले ब्लैक देखा था आपने दोस्तों, ये अभी ये वाला भी जो है ईरान से इंपोर्ट किया है इसका ब्लॉक, बेहतरीन। और दोस्तों बस इनके बारे में क्या ही बताएं, इनके पास भर भर के स्टॉक है ब्लॉक का, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ऐसा है। और इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, ये सत्वारियो इटली का, सत्वारियो इटली का दोस्तों, बिल्कुल हमारा आपका इनका सर का फेवरेट, तो अपन करारा वाइट बोलते हैं, करारा वाइट बिल्कुल, करारा माइंस है वहाँ के, जहाँ आपको पता है करारा वाइट बिल्कुल दोस्तों, पट्टा ने के पूरा फिगर बनता रहेगा जी, ये फिगर बनता है दोस्तों, और करारा माइंस होती है वहाँ की, आपको पता है जेम्स बॉन्ड, हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई है वहीं से ही आते हैं बिल्कुल। और ये भी इटली का बेहतरीन वेनाटिनो बोलते हैं, वेनाटिनो करके है इसका जो ब्लॉक आया है,
ट्यूनीशिया कंट्री से आया है। कितना लुकिंग, शानदार लुकिंग आ रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये यंग एंड डायनेमिक माधव भाई जैसे लोग यहाँ इस तरह से ऐसे इम्पोर्टेड मार्बल का बिजनेस करके करोड़ों रुपए लगा करके भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको पता ही है पीएम नरेंद्र मोदी जी के देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जो ड्रीम है उनका, सपना है, उनको पूरा करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं दोस्तों, अपना योगदान दे रहे हैं दोस्तों, तो जरूर से अप्रिसिएट करेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा किशनगढ़ के स्टोन प्लस का वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।